नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार और समय शाम 7 बजे का। जी हाँ दोस्तों, अभी फिर पहुँचे हैं रतलाम प्याज मंडी में, ताकि आपको आवक की और क्या वाहन रह गए हैं दोस्तों दो ही जानकारी मैं दे सकूं। अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये शेड के पास वाला हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, शेड के पास वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है ये आज रह गया। जी हाँ दोस्तों, इसकी नीलामी नहीं हो पाई। आप ये देखिए, ये आगे वाले हिस्से जहाँ वाहन लगे थे वो नीलाम हो चुके हैं दोस्तों, और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो पूरा ये पूरा ही रह गया। तो 350 के करीब हमने आपको वाहन बताए थे यहाँ, इसमें से 100 वाहन जो आगे लगे हुए थे उनकी नीलामी हो गई है, 250 वाहन ये रह गए। तो 250 वाहन जो हैं वो कल के शेष रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 250 वाहन जो हैं वो कल के शेष रह गए हैं। अब ये वो स्थिति है दोस्तों टंकी के पास वाली, जो अभी आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टंकी के पास वाली स्थिति है ये। यहाँ पर 3 लाइन लगी है, 2 तो आपको दिख रही है और एक और इधर साइड में लगी हुई, इसी के पास में शेड के उस तरफ एक और लाइन लगी हुई। कुल मिला के 3 लाइन लगी हुई है और 9, 18, 9, 3, 27, 90 करीब वाहन लगे हुए हैं दोस्तों इसमें। तो 250 करीब वाहन आप ये मान के, आज के वाहन मान के चल सकते हैं दोस्तों। ये 250 करीब वाहन आज ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये जगह फुल हो चुकी है। अब जो भी वाहन आ रहे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, और अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि पीछे की क्या स्थिति। पीछे की बात करें लगभग तो दोस्तों 400 के करीब वाहन वहां पर भी लग चुके हैं। दिया दोस्तों, 101 वाहन की जगह वहां पर भी बची है अभी, और लगातार वाहन आ रहे हैं दोस्तों, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी देर में वो भी मुझे लगता है फुल हो जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ये पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी लगभग 400 के करीब वाहन लग चुके हैं। 101 वाहन की जगह और बची है, जो लगभग मुझे लगता है कि कुछ देर में ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। अब अपन टोटल वाहनों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो 250 तो कल के ही रह गए हैं, और 250 अभी मैंने आपको टंकी के यहाँ बताया, 500 और 400 ये लगे हुए हैं। तो कुल मिला के 900 वाहन अभी तक रतलाम प्याज मंडी में है। जी हाँ दोस्तों, 900 वाहन रतलाम प्याज मंडी में अभी तक हैं, अभी तक शाम 7 बजे तक, ये लेटेस्ट रिपोर्ट दोस्तों, 7 बजे तक 900 वाहन रहे हैं। और अब एक जानकारी और आपको अवकाश की दे दूँ दोस्तों, सिर्फ कल ही मंडी चलेगी, परसों के दिन जन्माष्टमी का जो है वो अवकाश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, परसों जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। अभी तक मंडी प्रशासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर साल की तरह निश्चित सी बात है कि वो हड़ताल, वो अवकाश रहेगा। और जैसे ही वहाँ से भी जो रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपको बिल्कुल मंडी प्रशासन से भी आ जाएगी, तो आपको कल अवगत करा दी जाएगी। लेकिन 100% जो है परसों के दिन अवकाश रहेगा, उसके बाद सिर्फ शुक्रवार के दिन ही मंडी चलेगी, और शनिवार इतवार 2 दिन फिर अवकाश है। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखें, अभी तक 900 वाहन मंडी में हो चुके हैं। अब आपको मंडी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपका नीलाम होगा, ये आप लोग सोच समझ कर फैसला लेवें। धन्यवाद दोस्तों।